राजस्थान रॉयल्स फुल स्क्वाड एनालिसिस, देयर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एंड रेटिंग्स आउट ऑफ 10। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स पे आते हैं राजस्थान रॉयल्स की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग लाने पे इनका बेस्ट ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और बटलर है इनके पास। यशस्वी जायसवाल अभी बहुत तगड़ी फॉर्म से गुजर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी है इनका, जिसमें अश्विन युजवेंद्र है। वीकनेसेस पे आते हैं राजस्थान रॉयल्स की, वीक मिडल ऑर्डर है इनकी बैटिंग में, एक भी बैकअप ओपनर नहीं है इनके स्क्वाड में और एक भी क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है इनके स्क्वाड में जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सके। थ्रेट्स पे आते हैं राजस्थान रॉयल्स की, बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इनकी टीम में, लैक ऑफ ऑलराउंडर ऑप्शन है इनकी टीम में और इंजरी कंसर्न रहते हैं हमेशा ट्रेंट बोल्ट के। मेरे ख्याल से दोस्तों राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पोजीशन पे क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए। रेटिंग्स देना चाहूंगा मैं राजस्थान रॉयल्स को 8 out of 10। प्लेइंग 11 पे आते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जॉर्ज बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे आएंगे कैप्टन संजू सैमसन, 4 पे आएंगे ध्रुव जुरेल, 5 पे आएंगे दोस्तों सिमरन हटमायर, 6 पे आएंगे रोमन पॉवेल, 7 पे आएंगे रविचंद्रन अश्विन, 8 पे आएंगे आवेश कांत, 9 पे आएंगे युजवेंद्र चहल, 10 पे आएंगे ट्रेंट बोल्ट और 11 पे आएंगे संदीप शर्मा। इंपैक्ट प्लेयर हो जाएंगे शुभम दुबे या कुलदीप सेन में से एक।